नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब और आपके परिवार के सदस्य सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मजे में हों। शनिवार की एक बहुत ही सुंदर शाम और आज हम चर्चा करेंगे शनिदेव के ऊपर कि शनिदेव जो कि ज्योतिष शास्त्र में बहुत अहम भूमिका रखते हैं, जिनका बहुत बड़ा स्थान है और देखने में ऐसा आया है कि शनिदेव जिनकी कुंडली में मजबूत हो, अशुभ ग्रहों के प्रभाव में ना हो, तो उसका जातक का पूरे का पूरा जो जीवन होगा वो भाई बहुत ब्लेस्ड निकलेगा, संतुष्टि होगी, बहुत तजुर्बा है, बहुत एक्सपीरियंस है, धीमी चाल है, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई अधिक सोच नहीं, आराम से सभी कार्य करने हैं और अनुशासन पूरा है। जिनके शनि अच्छी स्थिति में होते हैं, अगर वो कह दें कि भाई कल 9 बजे मिलेंगे, तो 9 बजने से 2 मिनट पहले वहां पहुंच जाएंगे। जिम्मेदारी, शनि शुभ हो, जातक जिम्मेदार होता है और अपना जो फर्ज है वो ईमानदारी से निभाता है। इसीलिए दशम भाव में शनि हो, धीरे धीरे मेहनत करके जातक बहुत ऊंचाइयां प्राप्त कर लेता है। शनि पिछले जन्मों के कर्मों का जो फल है कैसे देना है, कब देना है, ये डिसाइड करता है। और फल देता कौन है? शनि का एजेंट राहु अचानक ही फल देता है, गोचर में, दशांतर दशा में, वर्ष फल में राहु अवश्य होगा, किसी ना किसी स्थान इन जगहों पर वर्ष फल में हो, गोचर में अशुभ हो। तो शनि दंड देता है और देता कौन है, काम कौन करता है? ऑर्डर शनि का। काम कौन करता है? राहु। जैसे कोर्ट का ऑर्डर काम पुलिस करती है, इसी तरह काम करता है राहु। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि अगर किसी की कुंडली में शनि कमजोर हो और राहु मजबूत हो तो आप कहेंगे कि ऐसा हो सकता है कि शनि देव ने तो फैसला सुना दिया, राहु कपटी ग्रह, छाया ग्रह, माया है, तो उसने सब कुछ इधर उधर कर दिया। और होता भी यही है, आप कोई भी कुंडली उठाकर देख लेना, शनि अगर कमजोर हो, राहु मजबूत हो, तो शनि अपना अशुभ फल कम देगा और शुभ फल अधिक देगा। ऐसा कह सकते हैं कि राहु अगर मजबूत होगा तो पिछले जन्मों के अच्छे कर्म होंगे। आज का जो मुद्दा है वो ये है कि शनि को दिखावा पसंद नहीं है, तो जो वस्तुएं दिखावे में आती हैं वो शनि देव के लिए नफरत का कारण बनती हैं। शनि देव एक सीधी सादी सरल पीसफुल जीवन, आराम से जीवन कटे, इस
चीज के हक में है। तो जिस भाव में शनिदेव विराजमान हो जाए, अगर जातक उस भाव का दिखावा करेगा तो शनिदेव अचानक ही इस तरह की परिस्थितियां बना देंगे कि उस भाव से संबंधित जो वस्तुएं होंगी उनकी कमी जातक के पास होनी शुरू हो जाएगी। सबसे पहले लगन से शुरू कर लेते हैं। लगन में जब शनिदेव विराजमान हो जाते हैं तो जातक जब अपनी शानो शौकत, हैसियत, रुतबा, मैं भी कोई चीज हूं, ये विचार दिमाग में आ जाए, किसी के साथ सीधा मुंह बात नहीं करनी, किसी का फोन अटेंड नहीं करना, और जातक के जो हेयर स्टाइल है वो इस तरह का कि दूसरों से अलग, दो बातें हो सकती हैं शनि लगन में हो, या तो सिर के बाल कम होंगे या हेयर स्टाइल दूसरों से अलग होगा। अगर विनम्रता में कमी आए, खास तौर पर जो गरीब बंदे हैं, मजदूरी करते हैं, जो कड़ी धूप में और कड़ी सर्दी में जो काम करते हैं, अगर उनके साथ आप परोपकार नहीं करोगे तो शनि आपकी हैसियत कम करेगा, आपका जो समाज में रुतबा है वो कम करेगा। अगर आप इनका दिखावा करोगे तब भी इन बातों में कमी आएगी, और जो आपका स्वास्थ्य है उस पर भी असर डालेगा जब लगन में विराजमान हो। तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, बहुत प्रसिद्ध हुए हैं, उनकी कुंडली में उच्च का शनि था लगन में, ओपोजिशन वाले उनकी बहुत तारीफ करते थे। यानी लगन में मजबूत शनि एक तो दिखावा नहीं, दूसरा दुश्मनों को भी साथ लेकर चलता है। यानी जातक के असूल इस तरह के होते हैं कि दुश्मन भी जातक का नुकसान करने से पहले दो बार सोचते हैं। जब दूसरे भाव में शनि विराजमान हो जाए तो जब आपने दिखावा किया अपने धन का, जब आपने दिखावा किया अपनी वाणी का कि मेरी वाणी जो मैं कहता हूं होता है, मेरी बात कोई मना नहीं कर सकता, मैं जे कर देता हूं मेरी उस तक पहुंचा, एक फोन करना, अगर इस तरह की दिखावा जातक करना शुरू कर देगा और जो उसके खानदान के लोग हैं, कुटुंब के लोग हैं जिन्होंने जातक की कभी सहायता की थी, उनकी सहायता करने की बजाय उनसे अहंकार वाला रवैया रखेगा तो भाई शनि अपना रुद्र रूप दिखाएंगे। अचानक ही संचित धन बहुत कम हो जाएगा, और जब संचित धन कम हो गया तो फिर कोई भी हो उसमें इतनी हिम्मत नहीं रहती कि दिखावा कर सके। नौकर चाकर, दूसरा भाव नौकर चाकरों का भाव है। शनि का बहुत गहरा संबंध है नौकर चाकरों के साथ। तो एक चर्चा चली एक ज्योतिष सम्मेलन में कि दूसरे भाव में शनि हो तो जो आपके नौकर है आपकी सेवा करते हैं तो उनको दूसरों से अधिक पैसे देने चाहिए, और दूसरों से अधिक जैसे दूसरे लोग करते हैं उनसे अधिक
इज्जत मान सम्मान देना चाहिए। तो कुछ लोग जिनके जहां नौकर काम करते थे, उन्होंने कहा कि जी जितना आप अधिक करोगे अपने नौकरों का, उतना ही आप दुखी रहोगे, क्योंकि ये किसी का किया जानते ही नहीं। जहां मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, आपने बहुत किया अपने नौकर का, उसने आपका नुकसान किया, विश्वासघात किया, धोखा किया, तो जहां दुखी होने की बात नहीं है, जहां आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि जो आपके बुरे कर्म थे वो कट गए। शनि ने अपने के जो कर्म है उसके हिसाब से फल देना है, बुरे कर्म तो भाई कट गए, तो अच्छे कर्म बढ़ गए या अच्छे कर्म अधिक लाभ देंगे, तो फिर ये धन के लिए भी अच्छा है। आपकी जो वाणी है, अगर आप वकील हो या कंसल्टेंट हो या आप धार्मिक प्रवचन देते हो, तो उसमें बहुत कामयाब होंगे। तीसरा भाव मुख्य रूप से रिसर्च में मैंने ये पाया है कि तीसरा भाव भाइयों का होता है। वैसे ये लिखा गया है कि तीसरा भाव छोटे भाई का और जो ग्यारहवां भाव है वो बड़े भाई का होता है, लेकिन अनुभव में ये आया है कि अधिकतर केसेस में भाई का जो सुख है या उसके द्वारा जो हमें हानि होगी वो तीसरे भाव से ही देखी जाएगी। तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से बुध क्या है, बच्चा, चाइल्ड है जे, और इसमें कौन विराजमान हो गया, शनि। शनि क्या है, सीनियर सिटीजन। तो एक बुजुर्ग और एक बच्चा, जब इनकी जोड़ी बनती है तो क्या होता है कि दादा पोता की जोड़ी बन गई। पोते ने दादा की उंगली पकड़नी है और चलते रहना है, तो दादा ने पोते को गलत कार्य नहीं करने देने। तो भाई जब शनि आपके तीसरे भाव में हो, तो कोशिश कीजिए कि जो हमारी संस्कृति है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि ये कार्य भाई अच्छे नहीं है। सबसे जो मेन बात है वो ये है कि अपना जीवन सरल कर लीजिए, जो आपकी जरूरतें हैं उनमें कमी लाएं और अधिक कामनाएं ना रखें, तो आपका जीवन ईमानदारी से निकलेगा। अपना फर्ज पूरा करते रहें, मेहनत करते रहें, भाइयों से किसी सुख की उम्मीद ना रखें, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। अगर भाई का किया करते ही भूल जाओ, अगर जीवन में आपने सुखी रहना है। इसके अलावा गुप्त शत्रु वो होंगे जो आपके बहुत नजदीक होंगे, यानी मित्र के रूप में, भाई के रूप में आपके गुप्त शत्रु होंगे, क्योंकि चौथे भाव से ये बारहवां है तीसरा भाव। चौथा भाव है आपके मकान का, जहां आप रहते हैं उससे बारहवां है, तो मकान में कोई मेजर अल्टरनेट नहीं करना कि मंदिर जहां से उठाकर जहां बना दिया, या ड्राइंग रूम की सेटिंग जहां से वहां कर दी। एक बार जो कर दिया और आपको सूट कर रहा है,
उसको भाई बिल्कुल चेंज नहीं करना। जश मान सम्मान इज्जत इसका बिल्कुल दिखावा नहीं करना। ईगो आप में कितना होना चाहिए? 0%। जब 0% ईगो हो जाएगा और तीसरे भाव में शनि अपने आप में राजयोग कारक है, शक्तियां होंगी आपके पास, शक्ति पावर प्लस 0% ईगो, ईगोलेस, तो देखिए क्या खूबसूरत कॉम्बिनेशन बनेगा जीवन में, कैसे आप तरक्की करेंगे, कैसे आप लोकप्रिय होंगे। तो ये आपको करना पड़ेगा। जब भाई शनि देव चौथे भाव में विराजमान हो जाते हैं तो एक बात बहुत देखी है मैंने कि जातक ने कोई भी कार्य करना हो उसका ढोल पीटता रहता है, सभी को बताएगा मैंने ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, परिवार की बातें सभी को बताता रहता है। ये आपके लिए बहुत घातक साबित होगा। चंद्रमा की राशि या काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से इमोशंस, तो इमोशन खत्म करने होंगे आपको। किसके साथ? परिवार के जो सदस्य है उनके साथ। और अगर आप में एक पागलपन है कि मैं बहुत बड़ा जिमीदार बन जाऊं, बहुत प्लॉट हो मेरे पास, बहुत जमीन हो, जहां मेरे पास अच्छे अच्छे वाहन हो वाहनों के पीछे, तो ये शनि को कमजोर करेगा। यानी कि जब आपने चौथे भाव का दिखावा आम पब्लिक को किया और आपकी जो कामनाएं हैं बहुत बड़ी बड़ी हैं कि ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, तब भाई शनि कहते हैं कि जो सुख है वो है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। जब आप इस प्रिंसिपल के ऊपर चलोगे, शनि चौथे भाव में होगा, तो जीवन में दुख आ ही नहीं सकता। ये सबसे बड़ा फंडा मैंने आपको बता दिया। कुछ किताबों में लिखा है कि जिनके शनि चौथे भाव में होता है मकान का जोग 1 से अधिक होता है, और जब 3 मकान हो जाएं, 3 हाउस हो जाएं, तब जातक का ये आखिरी जन्म होता है, यानी कि इसके बाद उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जो कर्म थे उनका जो फल है वो पूर्ण हो जाता है। अगर भाई पंचम भाव में शनि विराजमान हो जाए, सूर्य का घर है पिता का घर है, पिता के घर में पुत्र, गुस्सा करेंगे एक दूसरे के ऊपर, दुश्मन है, विचार नहीं मिलते, लेकिन पिता और पुत्र एक इस तरह का रिश्ता है कि जिसकी मिसाल किसी और रिश्ते से नहीं की जा सकती, इसका जो कंपैरिजन है किसी दूसरे रिश्ते से बिल्कुल नहीं किया जा सकता। तो भाई शनि सूर्य के भाव में जातक को अहंकार दे देगा बस। और एक बात और बताना चाहता हूं कि जब आप बड़ी प्रॉब्लम में होंगे तो सूर्य आपको बचाएगा। जिस भाव में सूर्य होगा उस भाव के कारण आप बड़ी से बड़ी मुसीबत में से निकल जाओगे। पिता है, पिता ने पुत्र को बचाना है, तो पंचम भाव में शनि अपने ज्ञान का दिखावा नहीं, हुनर अधिक होते हैं ज्ञान से, पढ़ाई लिखाई से अधिक हुनर होते हैं हाथ में,
उसका बिल्कुल अहंकार नहीं, और तर्क वितर्क तो भाई जीरो कर दीजिए। कोई कह दे कि धरती बिल्कुल गोल है, एलिप्टिकल नहीं है, अंडाकार नहीं है, तो आप कहना हाँ तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। किसी की बात काटनी नहीं, नुक्ताचीनी बिल्कुल नहीं करनी, और ईमानदारी से जीवन काटना है, कोई दुख नहीं आएगा, और समस्या आए उससे पहले ही उसका समाधान भी आपके पास होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो पंचम भाव में जब शनि हो तो अपने ज्ञान का, अपने गुण का, और मैं अच्छा तर्क वितर्क कर सकता हूँ, इसका अभिमान, इसका अहंकार बिल्कुल ना करना। जब आपने इसका अहंकार करना शुरू कर दिया, उसी दिन से आपकी जो संतान है उसको थोड़ी प्रॉब्लम आनी शुरू हो सकती है। संतान से वैसे भी बहुत कम एक्सपेक्टेशन रखना, मैं तो कहता हूँ रखना ही ना, तो संतान आपकी सेवा करेगी। अगर आपके दिमाग में ये बात आ गई कि बुढ़ापे में हमें कौन पूछेगा, तो अभी से संतान को समझाने लग गए तो ये आपकी गलत थिंकिंग है। बुढ़ापा अच्छा रहेगा, और अगर आपको अपनी संतान से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है तो भाई बहुत अच्छी बात है, आपकी संतान भी आपकी सेवा करेगी और उनके साथ आपके जो संबंध हैं वो भी अच्छे रहेंगे। जब शनि देव कुंडली के छठे भाव में विराजमान हो जाते हैं तो ये भी बहुत बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन है। राज जो कार्य कहा गया है, शत्रुहंता होता है जातक, और रोगों से जातक का बचाव करता है, इम्यून सिस्टम, रोगों से लड़ने की जो शक्ति है वो जातक में बहुत उम्दा होती है। लेकिन जहां पर एक प्रॉब्लम है कि बुध की राशि या बच्चे की राशि, तो काम तो हो नहीं सकता। जैसे काम क्रोध है ना, क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये बातें क्रोध लोभ मोह और अहंकार, ये चार चीजें जातक में अवश्य होंगी, और इन्हीं के कारण जातक गलत डिसीजन लेगा लाइफ में, और उसके जो दुश्मन है उनमें बहुत वृद्धि होगी, खास तौर पर जो राजनीति के क्षेत्र में है या किसी यूनियन के लीडर है, उनकी कुंडली में ये योग देखा जाता है। तो भाई करना क्या है, आपको जो कड़ी मेहनत हर सिचुएशन में कैसे जीना है, अमीरी में गरीबी में, आप बहुत आसानी से हर समय काट लेते हो, तो ये बातें आपके लिए बहुत लाभदायक साबित होंगी और आप जीवन में तरक्की करेंगे। लोभ मोह अहंकार और क्रोध, और एक बात जिद, इनको छोड़ दे तो जीवन में धीरे धीरे बहुत ऊंचाइयां हासिल करोगे, इतनी ऊंचाइयां कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। सप्तम भाव में शनि, जब सप्तम भाव में शनि विराजमान हो जाए तो कभी ये दिखावा नहीं करना कि मेरा पति या मेरी पत्नी इतना गुणवान है, उसमें ये गुण है। कुछ लोगों को तो ये आदत होती है कि गुण हो या ना हो
लेकिन वकीलों की तरह गुण बना देते हैं दूसरों के सामने, तो भाई इससे परहेज करना। और साझेदारी में अगर काम हो तो अपने पार्टनर से बेफजूल की बातें नहीं करनी, बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी, नहीं तो आपके साथ थोड़ी ठगी भी हो सकती है। शुक्र की राशि या काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से तो धीरे धीरे जो सुख सुविधाएं की वस्तुएं हैं वो भाई बढ़ती जाएंगी। और एक बात कि शनि सप्तम में है, जो आप पर कोर्ट केस करेगा वो जीवन में कभी सुखी नहीं रहेगा। अगर आपने दिखावा करना शुरू कर दिया सप्तम भाव का, कार्य क्षेत्र का भी आगे वर्क प्लेस पर अहंकार, जीवन साथी के सामने अहंकार, उसका काम नहीं करना, उसके साथ जिद्दबाजी करनी है, तो भाई फिर शनि आपका दिवाला निकाल देगा, यानी प्यासों की कमी कर देगा, जिसके कारण फिर संताप भुगतना पड़ सकता है आपको। और सप्तम भाव में शनि हो, अगर कोई आपके सामने आ जाए कि मैं तेरा दुश्मन हूं, मैं तेरा ये कर लूंगा वो कर लूंगा, प्रत्यक्ष दुश्मन आपके सामने आ जाए, तो आपने बिल्कुल शांत रहना, किसी बात का जवाब नहीं देना, और मौका देखते ही उसको नष्ट करना है, उसका नाश करना है, नहीं तो वो आगे चलकर आपको नुकसान पहुंचा सकता है। जहां नाश करने का मतलब ये नहीं कि जीवन खत्म करना है, ये है कि जिस वस्तु के कारण समाज में वो बड़ा है उस वस्तु को हमने खत्म करना है, तो उसकी हैसियत अपने आप कम हो जाएगी। अष्टम भाव में शनि विराजमान हो, मंगल के भाव में शनि दुश्मन है वैसे तो, लेकिन मंगल शनि की जोड़ी बहुत अच्छी देखी है। उसमें एक कारण ये भी है कि मंगल सेनापति ग्रह, और जो सेना वाले होते हैं जब दुश्मन की धरती पर कब्जा करते हैं उनको बहुत खुशी होती है। तो मंगल सेनापति है तो शनि के साथ खुश रहता है। शनि अष्टम भाव में बड़े बड़े जज, वकील या जो कानून से संबंध रखते हैं, ऐसे लोगों की कुंडलियों में देखा गया। और अष्टम भाव का शनि जो आपके रिलेशन होंगे, संबंध होंगे, बड़े बड़े लोगों से होंगे, कैसे बन गए ये आपको भी नहीं पता, बिना कोशिश के। और जब आपको प्रॉब्लम होगी सभी आपके साथ खड़ेंगे। इसके अलावा पैतृक संपत्ति से लाभ होगा, लेकिन कई बार देखा है कि शनि थोड़ा लीगल मैटर्स में अधिक डालता है, क्योंकि जज है तो थोड़ा विघ्न बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन अष्टम भाव में शनि हो तो आपको अचानक लाभ, पैतृक संपत्ति से लाभ, ये बातें होती रहेंगी। एक बात और कि जब अष्टम में शनि हो, जल्दी जल्दी अपना काम नहीं बदलना कि एक काम नहीं चला दूसरा कर लें, दूसरा नहीं चला तीसरा कर लें, ऐसा नहीं करना। एक काम की प्लानिंग बनाइए प्रॉपर, उसको
शुरू किया है, अगर पहले दिन ही सोच लिया कि अगर ना चला तो बंद कर देंगे, ये सोच गलत है। ये सोच कर चलो कि हमने चलाना है इसको, तो फिर आप बहुत तरक्की करेंगे। और जो गली बंद है, बंद कैसे होती है, मान लीजिए ये गली है जहाँ बहुत बड़ी कोई बिल्डिंग है, तो जहाँ से अगर दूसरी दुनिया के साथ कनेक्ट होना हो तो हमें वापिस आना पड़ेगा, तो ये गली क्या होती है, बंद गली। बंद गली में मकान बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये मेरी बात नोट कर लें अष्टम शनि वाले जातक, कि जब तक बंद गली वाले मकान में रहोगे आपकी जो भाग्य है वो आपका पूर्ण रूप से साथ नहीं देगा, और अचानक लाभ होते होते आपको ऐसा कह लीजिए कि भाग्य के कारण 99.9% काम हो गया, लेकिन 0.1% पर आकर रुक गया और आपको जो बड़ा लाभ होना था वो नहीं हुआ। जब भाई नवम भाव में शनि विराजमान हो तो बहुत सी कुंडलियां देखी जिनकी नवम भाव में शनि है, ठीक है, भाग्य को बढ़ाएगा, कोई डाउट नहीं है। जातक के सिर पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनी रहेंगी, इसमें भी कोई शक नहीं है, और जातक को जब जाने अनजाने उसके से कोई गलत कार्य हो जाए या किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाए तो शनि देव खुद आकर जातक की मदद करेंगे। लेकिन जहां पर एक बहुत बड़ी समस्या आती है कि जातक का पैतृक संपत्ति के कारण अपने ही भाइयों से झगड़ा हो जाता है, और अधिक केस इसमें तो ये देखा कि बाकी के सभी भाई एक तरफ रह जाते हैं और जातक एक तरफ रह जाता है, तो जातक की लड़ाई में उसके जो मित्र हैं वो अधिक शामिल होते हैं। जा नवम भाव में शनियों तो एक बात पल्ले बांध लें, आप सुखी हो जाओगे कि सिर्फ अपना जो हक है वही खाना है, दूसरों का हक छीनने की कोशिश नहीं करनी और ना ही दूसरों की जमीन जायदाद हड़पने की कोशिश करनी है, नहीं तो भाई आपकी गति वो खराब होगी और जो आपके सारा बहनोई है उससे भी आपकी पोजीशन थोड़ी कम होगी। नवम भाव में शनि धीरे धीरे सभी सुख दे देगा, धीरे धीरे आपको भाग्यशाली बना देगा। दसम भाव में शनि, दसम भाव में शनि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से शनि की अपनी ही राशि है, तो दसम भाव में शनि हो जातक रिस्पॉन्सिबल होता है, कोई कार्य दे दिया तो जिसने दिया उसकी टेंशन खत्म, जातक की टेंशन शुरू हो जाती है। दसम भाव का शनि अगर आप अपनी पावर पोजीशन पैसे इन पर घमंड करोगे, इनका दिखावा करोगे कि घर में कोई मैरिज है तो मैंने बड़े से बड़े बंदे को इनवाइट करना है, इस चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना। अगली बात, दसम भाव में शनि आपको बहुत कुछ देगा,
जीवन ब्लेस्ड कर देगा। लेकिन अगर आप शनि से संबंधित कोई काम करोगे, जैसे मोबाइल ऑयल का हो गया जो धरती के नीचे से निकलते हैं, मेटल्स होगी उनका कोई काम करोगे, तो भाई फिर आपको नुकसान होगा। अगर पहले ही ये काम कर रहे हो तो साइड में कोई दूसरा कार्य शुरू कर लीजिए और दिखावा बिल्कुल बंद कर दे। दिखावा जब जब किया तब तक आपको नुकसान होता रहेगा। विदाउट एनी दिखावा बहुत सिंपल जीवन जिए। कार्य क्षेत्र में सभी के काम आए, लेकिन प्रायोरिटी अपने काम को देनी है, पहले अपना काम करें। तो जो इतनी पब्लिक आती है वो भी खुश रहेगी और आपका बॉस भी खुश रहेगा और आप भी खुश रहेंगे और अपने कार्य क्षेत्र में आप बहुत बुलंदियां हासिल करेंगे। दशम भाव में शनि हो तो जातक सरकारी नौकरी करते भी देखे गए और वहां भी उनकी जो रेपुटेशन है वो बहुत उम्दा होती है। आगे चलते हैं, ग्यारहवें भाव में शनि विराजमान हो जाए। ग्यारहवें भाव में शनि तो आपने अपनी आमदनी का दिखावा नहीं करना, अपने मित्रों का दिखावा नहीं करना, अपने सोशल सर्कल का दिखावा नहीं करना, इनको सीक्रेट बनाकर रखना। तो जब भी आपको आवश्यकता होगी आपके साथ बहुत बंदे खड़े हो जाएंगे। लाभ भाव का शनि सब कुछ देगा आपको, किसी वस्तु की कमी नहीं, पैसे की कमी नहीं, आपके जमीन जायदाद वाहन जिसका आपको शौक है उसकी कमी नहीं, ये सब देगा मगर संतुष्टि नहीं देगा। इतना कुछ मिलने के बाद जातक के जीवन में से खुशी थोड़ी गायब रहेगी और बेबजे की चिंता। मैंने कई केस देखे हैं कि ग्यारहवें भाव में शनि विराजमान हो तो प्रेम संबंधों के कारण चिंता, या जिसके साथ संबंध है वही जातक के साथ ठगी लगा जाता है। तो जब भी ग्यारहवें भाव में शनि हो, चाहे कितनी ही आमदन हो आपके पास, कितने ही मित्र हो आपके पास, कितना ही बड़ा सोशल सर्कल हो, बिल्कुल दिखावा ना करें, बिल्कुल ईगो ना करें, तो जीवन में आप बहुत तरक्की हासिल करोगे और धीरे धीरे आपका कारोबार, आपका मकान ये सब बढ़ते रहेंगे। बारहवां भाव, बारहवें भाव में शनि विराजमान हो जाए। जब बारहवें भाव में शनि विराजमान हो जाता है, गुरु का भाव है, इतना खराब फल नहीं देता, ठीक है, बीमारी देगा, डॉक्टर्स के चक्कर लगवाएगा और कई बार नजायज खर्च, इसलिए पहले खुद ही आप अपना हाथ खोलकर खर्च कर दे ताकि नजायज खर्च कम हो। बारहवें भाव का जो शनि है, जातक को दौड़ धूप करवाता है, लेकिन उतनी ही करवाता है जितनी जातक बर्दाश्त कर सके, क्योंकि गुरु के भाव में शनि विराजमान हो गए काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। और बारहवें भाव में शनि जो गुप्त शक्तियां हैं, गुप्त आत्माएं हैं, आपके बुजुर्गों की जो आत्माएं हैं, वो आपका बहुत साथ देंगी,
हमेशा आपके अंग संग रहेंगी और आपको बहुत लाभ देंगे, क्योंकि उनके साथ कर्म ही इतने अच्छे पड़े हुए हैं कि आपको उनसे लाभ होगा ही होगा। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था शनि दिखावा और दिवाला। मेरे वीडियो सिर्फ शिव कृपा वर्ल्ड ऑफ एस्ट्रो पर मिस्ट्री पर ही उपलब्ध है, किसी दूसरे चैनल पर देखकर भाई किसी के चक्कर में ना फंसना, ये आपसे विनम्र निवेदन है। और आपके आशीर्वाद के साथ ये वीडियो सम्पन्न हुआ और आपने अपना इतना कीमती समय लगाकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।